सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए तो बहुत बुद्धिमान होना पड़ता है, राइट, बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा गुण है कि अगर वो गुण आपके पास हो तो भले आपकी बुद्धि कैसी भी हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। दुनिया भर के समाजों में बुद्धि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हें टीचर्स इम्पोर्टेंस देती है, वो अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस से वो अच्छी कंपनीज में जाते हैं, उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं, वो ज़िंदगी में जल्दी सेटल हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है और बहुत हद तक है भी। लेकिन बुद्धि से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है जो हमें सक्सेसफुल होने में मदद करती है और वो क्राइटेरिया है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं और ये बुद्धि से ज़्यादा पावरफुल क्यों है, इस चीज़ को आप इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप दूसरों के असली इंटेंशन को आसानी से समझ पाएंगे, आप ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो पाएंगे, आपके दफ्तर में ज़्यादातर लोग आपको पसंद करेंगे, आपके घर में ज़्यादातर लोग आपको पसंद करेंगे, साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप्स बनेंगी, दोस्ती, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप, नए एसोसिएट्स के साथ रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशनशिप्स आपके पक्के बनने लगेंगे, लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिलेशनशिप्स। ये लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिलेशनशिप्स ही हैं जो हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलाती हैं, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है, जो लोगों से काम निकलवाने में हमारी मदद करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, लोग उन्हें ओवर सेंसिटिव नहीं कहते, लोग उन्हें रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग कहते हैं, यानी कि तकलीफ सह पाने की उनमें क्षमता है, दूसरों को समझ पाने की क्षमता है, वो अपने इमोशंस को अपना रहे हैं, इसलिए वो दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक यानी कि सच्चे नज़र आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, वो क्या है वो मैं आज आपको समझने में मदद करूंगी। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग वो है जिनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो किसके प्रति कौन सा इमोशन रखते हैं, प्यार का नेगेटिव इमोशन, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो ग्रीड हो यानी कि लालच, चाहे वो गुस्सा हो, द्वेष हो यानी कि हेट्रेड, वो कौन सा इमोशन रखते हैं उस इमोशन के बारे में अवेयर होते हैं। आम लोग कई बार अपने इमोशंस को अच्छा या बुरा बस दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बुरा। उनके पास ज़्यादा शब्द नहीं होते अपने इमोशंस को समझने के लिए, और क्योंकि वो अपने इमोशंस को खुद नहीं समझते इसलिए वो अपने इमोशंस को दूसरों को क्या ही समझा लेंगे। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने आप के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने आप का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए और जर्नलिंग करनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो दूसरा बड़ा क्राइटेरिया है वो है सेल्फ रेगुलेशन। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने ऊपर एक खुद का नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वो बस मन में आई हुई बात ब्रर करके बोल नहीं देते, वो सोच समझ के अपनी बात को आगे रखते हैं, वो संक्षेप में अपनी बात को आगे रखते हैं, कंसाइज करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। वो हठात या अचानक से कोई एक्शन नहीं ले लेते, वो जो भी करते हैं वो सोच समझ के वो एक्शन लेते हैं, वो गुस्से भरा मैसेज लोगों को इमीडिएटली नहीं भेज देंगे, वो सोचेंगे कि मेरे एक्शन का, मेरे क्रिया का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, लंबे तौर पर इसमें नुकसान क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या हो सकता है, इन बातों को याद रखकर वो अपने बिहेवियर को, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।
इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो तीसरा काम करते हैं वो है उनका सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। वो अपने आप को स्वयं से मोटिवेट रख सकते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रख सकते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और उसके लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, तैयार रहते हैं, एक्शन लेने के लिए वो रेडी है। उनके अंदर एक उत्फुल्लता है, यानी कि खुशी, एक मोटिवेशन कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे करना है, आगे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य क्या है मुझे पता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों में होती है वो है एम्पथी, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझ पाने की क्षमता। देखिए, आज के समय में डिज़ाइन थिंकिंग जैसे मास्टर कोर्सेज का कोर भी है एम्पथी। जब आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे तब आप सॉल्यूशंस ही कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें सब खुश होंगे। जब आप ऐसे सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसमें सब खुश होंगे तब आपका सक्सेसफुल होना, पॉपुलर होना एकदम गारंटीड है। दूसरों के इमोशंस को समझ पाने पे हम सोच समझ के अपनी बात को आगे रख पाते हैं। जब हम दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो हमें पता होता है कि कब हमें सामने वाले इंसान को मोटिवेशन देना है, कब हमें उन्हें सिंपथी देनी है, कब हमें उन्हें सपोर्ट देना है। हमारे लिए दोस्तों को बनाना आसान हो जाता है। लोगों को पता है कि हम इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए लोग हमारे प्रति आकर्षित रहते हैं, लोग हमारे के ऊपर विश्वास करने को तैयार होते हैं। भावनाओं को पढ़ना इंसान के अंदर की एक इनहेरेंट क्वालिटी है, बस आपको इसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लोगों से कहना शुरू कीजिए कि मुझे पता है कि तुम्हें डैश 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 महसूस हो रहा है। अब ये डैश 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 में कुछ भी हो सकता है, आप सिचुएशन के हिसाब से, हो सकता है उसे गुस्सा आ रहा है, उसे ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। जब भी आप उसके इमोशन को एक नाम देकर उसके सामने रखेंगे कि मुझे पता है कि तुम्हें चिंता हो रही है, इमीडिएटली वो इंसान जान जाएगा कि आप उसके साथ अट्यून्ड है, उसके साथ कनेक्टेड है। इससे वो इंसान आपके प्रति कृतज्ञ महसूस करेगा, उसके इमोशन में रिलीफ महसूस होने लगेगी उसे। अब उसे पता है कि उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप उसके साथ हैं, आप और वो एक ही बात के ऊपर अपनी समझ लगाए हुए हैं, आप और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो आप पे विश्वास करने लगेंगे। एम्पथी लोगों को दे पाना एक सुपर पावर है और इसे आपको डेवलप करना ही चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट होने में आखिरी स्किल है अच्छे सोशल स्किल्स होना, यानी कि लोगों से खुल के बात कर पाना, लोगों से खुल के मिल पाना, नए लोगों को मिलने के लिए रेडी रहना। हम में से बहुत सारे लोगों को बचपन से कहा गया है कि देखो तुम नए लोगों से बात मत करना, अगर कोई अनजाना इंसान तुम्हें कोई चॉकलेट दे तो तुम उस चॉकलेट को मत लेना। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमें लोगों की परख नहीं होती है तब तो ये सीख बहुत काम की है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी इस सीख को याद रखते हैं और कभी भी आगे बढ़ के हेलो नहीं बोलते, आगे बढ़ के लोगों से दोस्ती नहीं करते। वो सोचते हैं अगर मुझे किसी ने स्माइल किया तो मैं स्माइल करता हूँ, अगर मुझे किसी ने हेलो बोला मैं तो बस तभी हेलो बोलता हूँ, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा एक महान काम कर लिया उन्होंने जिसका उनको मेडल मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब आगे बढ़ के लोगों से दोस्ती करेंगे तब आप देखेंगे लोग आसानी से अपने डिफेंसेस को आपके सामने कम कर देंगे। जब आप कंसिस्टेंटली फ्रेंडली बने रहेंगे लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाइए। किस चीज़ के लिए माफ़ करना है? लोगों के सामने गलती जो आप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए आपको माफ़ करना है। जब आप अपने आप को लोगों के सामने होने वाली गलतियों के लिए माफ़ करने के लिए रेडी होंगे तब आप लोगों के साथ बढ़ चढ़ के दोस्ती और बातें करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इससे लोग आपसे दोस्ती करने के लिए रेडी होंगे और आप देखते ही देखते बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। मुझे लगता है
कि मेरे जीवन में मैंने जितना भी कुछ प्राप्त किया है, सक्सेस शब्द मुझे इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहूँगी कि प्रॉस्पेरिटी मेरे पास खूब है, और वो प्रॉस्पेरिटी मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैंने साल दर साल अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है और उसे बढ़ाने की कोशिश की है। IQ तो भगवान हमें जितना देता है उतना देता है, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना खूब ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी कोशिश से बढ़ा सकते हैं। हर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट होने की क्षमता रखता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।